हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पूरा दिन बहुत वो हुए, खबार ठीक है। हाँ, खबार तो नहीं हुए, खबार हुए। मैं तो नहीं खबार हुई, मैं तो अपनी बच्ची के लिए मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ। इसमें खबार होने कौन सी बात है। तो आज मैं अंजलि का एडमिशन करवा के आई स्कूल में। तो आज के बाद अंजलि जाएगी स्कूल। आज के बाद नहीं, थोड़े दिन लगे, मतलब थोड़े के, मतलब के उसका एडमिशन तो हो गया ना। एडमिशन हो गया तो उसके लिए मैं बैग लेके आई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। आप वो खाओ ना जी। अंजलि ने लिया अपनी पसंद की। अंजलि अपनी चीजें बोल रही थी, मैं खुद शेयर करूंगी। हाँ तो लेकिन वो अभी वो मुझसे बुला लो ना, तो वो खा रही है ना। क्या अभी उसने इतना कोई बात नहीं। अंजलि सैमी बुलाने गए। जब तक मैं थोड़ी थोड़ी करती हूँ। तो ये था रबर्ट, उसने लिया, ये उसने बोला मैं ये दे नहीं। रेजर है ना, तो वो क्या कहते हैं, मतलब किससे वो क्यों कर लेते हैं ना साफ रेजर में, वो क्या शॉर्पनर। इस गर्ल्स को पता नहीं क्या कहते हैं, बोलती है मैंने ये वाला लेना। दिखाना चाहते हैं। हाँ ये देखो ना, इसके अंदर रेजर भी है, रेजर भी है और शॉप भी है, मतलब कि इसके अंदर ही कचरा कचरा हो, शॉर्पनर भी है और रेजर भी। चलो शेयर करो अंजलि, आ जाओ। अंजलि आज चीजें दिखाओ अपनी, और आप बताना आज आपको कितनी खुशी। पहले वो दिखाओ ना, वो जो निकाला होगा मेहमान। पहले इस्लाम दुआ तो करो, इधर देखो। ओके ओके। तो शॉपरन तो ऐसा होता नहीं, और ये है मेरी जर्सी स्वेटर। स्वेटर एक ही बात है। इधर दे, दिखाओ ना, इधर अंदर दिखाओ, पकड़ के तो दिखाओ। ये देखो, ये ना आपको मैं से बताना कैसी है, आपको लगी। देखो कितने प्यारा स्वेटर है, क्योंकि अभी सर्दियों में। ये क्यों मैंने रखा था, आपने खोला आके दिया ये ना। और ये अंजलि ने चीजें देख के अपने, और ये नया बैग अंजलि ने लिया और बहुत प्यारा है। साथ में उसके ज्योमेट्री भी है, छोटी वाली। ये ज्योमेट्री नहीं मम्मा, इसके अंदर जैसे कि हम, हाँ ज्योमेट्री बॉक्स ही होता है। इसमें पेंसिल वेंसिल बंदा डाल सकते हैं, मुझे पता है। और क्या बोलते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी। और दिखाओ इसके कलर्स भी, कलर कलर्स भी डाल सकते हैं। एक मिनट रुको, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोगों ने जमा करवाने हैं, जो उसमें जमा करवाने स्कूल में। हाँ, अभी इसके पिछले बनवा के आनी है आपने, है ना। हाँ, और पासपोर्ट साइज पिछले भी चाहिए थे, वो भी जाके दिखाएंगे। हाँ, बैग के अंदर से दिखाते हैं। अंदर यूनिफॉर्म भी है ना, वो भी यूनिफॉर्म की मैट्री। क्या यूनिफॉर्म, ये मेरी ज्योमेट्री। बैग तो बहुत ही प्यारा बैग है। और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे टाइप भी बने हुए, ये देखो ऐसे भी लेके जा सकते हैं। ये देखो, ये मार्करों की जगह है, यहाँ पर मार्कर कलर्स रख सकते हैं। यहाँ पर हर चीज, पेंसिल शॉर्पनर ऐसे भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो मैं पैक करती हूँ, आप और दिखाओ। और ये है मेरी कलर की डब्बी, ये रख रही है। और ये है कलर बॉक्स, और इंशाल्लाह 4 या 5 दिन में, एक हफ्ते तक अंजलि जाएगा ये। और ये है कलर बॉक्स, और क्या था, और मेरा यूनिफॉर्म। और क्या कोर्स वगैरह, वो तो बस स्कूल से मिलेगा। हाँ, और ये स्कार्फ भी अंजलि लिया करेगी, काफी का है। और बैग बहुत ही प्यारा है ना, ये जानती थी। आप लोगों ने देखा था, भी साथ गए थे अंजलि के। और इस कलर का अंजलि का यूनिफॉर्म। हाँ क्या, ये है मेरा यूनिफॉर्म। क्या सोया, ये मेरा, मुझे दिखाओ इधर। ये मतलब उधर ये चलती है, मतलब कि वो नहीं है, फ्रॉक वाला नहीं है। हाँ, ये शलवार पजामा, मतलब शलवार टाइप, शलवार ही बनी हुई है। हाँ। और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी चप्पल, शर्ट दिखाओ। इस
और ये शर्ट चलती है, बाकी मोनोग्राम जो है वो लगाएंगे हाँ, वो जब बदल जाएगी तो फिर। और ये देखो स्कार्फ मिलेगा, और ये कैसा लगा आपको मुझसे बताना कि आपको अंजलि की मतलब की यूनिफॉर्म कैसा लगा। अंदर सैंडल दिखाओ जा शूज अंजलि के। और ये हैं अंजलि के शूज, मतलब आज मैं आया मतलब पूरा दिन मेरा यहीं पे गुजर गया अंजलि के साथ। पूरा दिन अंजलि के लिए हम गए हुए थे। और ये है क्योंकि अभी प्रॉपर स्कूल खुल चुके हैं, मैंने बोला कि ट्यूशन भी पढ़ती हूँ, ट्यूशन अपनी जगह पे है और स्कूल का एक नाम होता है, इसलिए मैंने सोचा कि स्कूल में जाना जरूरी ये है। वाले शूज पहने। अंजलि कैसे लगे आपको? अच्छे लगे। और अंजलि खुद साथ गई थी? हाँ साथ गई थी। मैंने खुद ही अपनी चीजें पसंद की थी, मैंने वो जो जिसके अंदर रेजर वगैरह वो पसंद की थी, ज्योमेट्री भी मैंने ही पसंद की थी, और कलर्स आप लोगों ने पसंद किए थे ना। हाँ और मैंने क्या पसंद किया था? और वैसे कौन सी क्लास में आपको दाखिला मिला? KG 2। अच्छा तो अंजलि ने टेस्ट भी उधर दिया था अपना, है ना। इधर अंजलि मैगी खा रही है और सारे बच्चे मैगी ही खा रहे हैं, है ना बेटी? जी हाँ, अभी उन्होंने बोला मुझे बना के दो। मैं सो रहा था, मैं अभी उठाऊँ तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करें और इसी पे आज व्लॉग बनाएं। हाँ इसी पे बनाएं। और वैसे भी मेरा दिल कर रहा था मैं कि आप लोगों को बताऊं कि आप लोग ये नहीं कहो कि अंजलि स्कूल नहीं जाती, तो कुछ लोग अभी ये लोग आप नहीं करना, जाहिर सी बात अगर हम कहीं आते जाते हैं तो अभी अंजलि को तो बिल्कुल हम साथ लेके नहीं जा सकते कहीं भी, अगर क्योंकि सारी बात है उसकी पढ़ाई पीछे जाती है, पढ़ाई का मसला होता है आजकल का दौर, आपको पता है कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। मैं ट्यूशन भी जाती हूँ इसलिए मम्मा लोग लेके नहीं जाते। हाँ क्योंकि हमारा तो काम है, जाहिर सी बात है हमने तो आना जाना है, तो उसके साथ फिर इसको हम साथ साथ लेके थोड़ी नहीं घूम सकते। सैम भी कुछ डेर है घर पे, तो सैम भी मतलब फिर वो क्या होगा, सैम भी ट्यूशन जाया करेगा, सैम भी जाया करेगा साथ में, थोड़ा सा वो हो जाए और बड़ा फिर ये भी मतलब ट्यूशन जाएगा, उसके बाद फिर अंजलि के साथ ही इसका भी शौक करते तो कचरा फैल जाता है। आपको अंजलि की ये क्या कर दिया, क्या हो गया, क्या हो गया? ये जोया ने इसका पानी गिरा दिया है, ठीक है। ये नीचे बैठ के मैगी खा रहे थे, जोया ने ये देखो पानी का गिलास कल्टी कर दिया है, तो ये इस वजह से इतना उछल रहा है। बेटा नया पानी ले लो, उछलो नहीं, ठीक है, नया पानी ले लो, मुंह में नहीं डालो। क्या खा रहा है? तो आप सबको ये सारा सामान कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम भी चाहते हैं हमारी बेटी पढ़ लिख के आगे जाए। आगे कहाँ क्या, आगे कहाँ जाए? तो पढ़ाई करे। हाँ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई से श्योर मिलता है, ठीक है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।